पहुंचे कृष्णानगर थाने। तो कृष्णानगर थाने पहुंच करके धरने पर बैठे परिजन मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाए। तो सरबजीत तो तरनजीत कौर के लापता होने का मामला लगातार गहराता जा रहा है। परिजन अब पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। तो बस से लापता हुई लड़कियां कानपुर से लखनऊ आ रही थी लड़कियां। तो बेटियों के परिजन धरने पर बैठे तो लखनऊ आ रही दो लड़कियां लापता हुई, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया है। सीसीटीवी फुटेज लगातार खंगाले जा रहे हैं, जानकारियां जुटाने में पुलिस फिलहाल लगी हुई। लेकिन इसी बीच परिजन जो हैं वो धरने पर बैठ गए कृष्णानगर थाने में। उन्होंने पुलिस पर हीला हवाली का आरोप लगाया है। तो इस मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। कानपुर से 4 बजे चली है, परसों 8 बजे गुरुपुरब वाले दिन गई थी और कल 4 बजे यहाँ लखनऊ के लिए निकली है। और बस की हमारे पास फ़ोटो भी है, बस में बैठी है। उसके बाद से बेटियों का पता नहीं है और स्विच ऑफ आ रहा है और शासन प्रशासन कोई भी बात नहीं सुन रहा। अगर मंत्री की बेटी होती ना तो 15 मिनट नहीं लगते, एक गरीब की बेटी है ना इसलिए इतना टाइम लग रहा है। 14 घंटे बाद कहते हम लोग को फुटेज दिखाई जाएगी आपको। पाल जी द्वारा एक सूचना दी गई थी और उसमें बताया गया था कि दो युवतियां हैं जो उनकी बच्चियां हैं वो कल से कानपुर से निकली थी और तब से घर नहीं पहुंची हैं। इस संबंध में थाना कृष्णानगर पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हमारी कई टीमें इसमें लगी हुई हैं और इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल सर्वेलांस दोनों की मदद ली जा रही है। बच्चियों की युवतियों की सकुशल बरामदगी हेतु हमारी सारी टीमें प्रयासरत हैं और शीघ्र सकुशल बरामदगी इसमें की जाएगी। कृष्णानगर इलाके में सेक्टर डी में रहने वाली दो बहनें कल से लापता है। दरअसल गुरु नानक पार्क में दोनों बहनें तरनजीत और सरबजीत कानपुर पहुंची थी और वहां से लौटने के बाद वो दोनों लापता हैं। परिजनों का ये कहना है जब वो बस पर बैठी थी तो उसके बाद उन्हें कहा गया था कि बस की वीडियो और कंडक्टर और ड्राइवर की वीडियो बनाकर भेजी जाए। जो वीडियो पैलेस के पास परिजनों के पास पहुंच चुकी है, उसके बाद से वो दोनों लापता हैं और अभी तक घर नहीं पहुंची हैं। और परिजनों ने मामला गुरुपुरी कृष्णानगर थाने में दर्ज कराया। पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही है। आलमबाग बस अड्डे की बात की जाए या कानपुर बस अड्डे की बात की जाए, तमाम जगह पर पूछताछ की जा रही है और इसी के साथ साथ कंडक्टर से भी पूछताछ की गई। और कंडक्टर का साफ तौर से कहना है कि दोनों बहनें जो है सरबजीत और तरनजीत वो आलमबाग बस अड्डे पर उतरी और वहां पर नेक्सा शोरूम के बाहर उतर गई है और इसके बाद से वो लापता हैं। परिजन जो हैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, कृष्णानगर थाने पर पहुंचे हैं और यहां पर लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि अभी तक हमारी बेटी क्यों नहीं मिली। लगभग 24 घंटे हो चुके हैं और लगातार जो बेटियां हैं वो अभी नहीं मिली। परिजन यहां पर पहुंचे हैं, भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं और कृष्णानगर थाने के बाहर और थाने पर बैठे हैं। लगातार जो मांग की जा रही है कि आखिर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, गुमशुदगी दर्ज कर ली है और लगातार उन बेटियों की खोज जारी है। लखनऊ के